क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 12.3। तो देखो, तुमने ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फॉर्मूला सुना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी लाइन को हम किसी पॉइंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड। सपोज मेरे पास एक लाइन थी जिसका नाम था ए बी, और उस लाइन के बीच में मैंने एक पॉइंट बना दिया जिसको मैंने नाम क्या दिया, सी। उस लाइन के लिए मैंने क्या नाम दे दिया, सी। मान लो ए के कोऑर्डिनेट मैंने बनाए एक्स वन और वाई वन, और बी के कोऑर्डिनेट बताए एक्स टू और वाई टू, है ना? तुमने ये सेक्शन फॉर्मूला सुना है। और जो रेशियो होती है, उस रेशियो को मैंने क्या बोल दिया, एम वन और एम टू। मैंने एक लाइन के बीच में एक पॉइंट सेट करा और उसकी रेशियो क्या रख दी, एम वन और एम टू, और दो पॉइंट दे रखे हैं। यही सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू। मुझे बताओ, एक्स का फॉर्मूला ये होता है ना निकालने का, यहां पर जो एक्स निकलता है ये वाला, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से वाई का होता है, वाई क्या होता है, वाई एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपोन में एम वन प्लस एम टू। मुझे बताओ, अब तक क्या ये सेक्शन फॉर्मूला तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? चैप्टर 10 में भी पढ़ा, 10th क्लास में भी पढ़ा है ना, पढ़ा जरूर। ये होता है ना। अब हम थ्री डायमेंशनल में अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बढ़िया, बस ध्यान से सुनो, एक वेरिएबल और बढ़िया बस। कौन सा, जेड। देखो जरा इधर, एक्स वन वाई वन साथ में क्या आ गया, जेड वन। एक्स टू वाई टू साथ में क्या आ गया, जेड टू। एक्स वाई साथ में कौन सा पॉइंट और फाइंड आउट करना है, जेड। एक नया फॉर्मूला और बन गया, नया कुछ नहीं है, इसी से बना है। देखो क्या होता है, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपोन में एम वन प्लस एम टू, है ना। वाई और जेड का भी ऐसा ही है। देखो एम वन जेड टू एम टू जेड वन अपोन में क्या आता है, दोनों रेशियो का सम। दोनों रेशियो का आपस में क्या आ जाता है, सम आ जाता है, एम वन प्लस एम टू। फटाफट से इस डायग्राम को नोट करके, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले नोट करो वीडियो पोस्ट करके, और बहुत ही नीट एंड क्लीन ये ड्रॉ होने चाहिए, तेजी से नोट करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने नोट कर लिए होंगे, है ना। अब देखो जरा, अब तुम्हें दो केस पढ़ने हैं। अभी तक सेक्शन फॉर्मूला कैसा होता था, प्लस वाला होता था ना। देखो इधर बीच में यहां पर कौन सा साइन है, प्लस 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 और प्लस, है ना। जब प्लस साइन होता है ना, तो ये रेशियो होती है इंटरनली। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या वर्ड आ गया, इंटरनली ये क्या चीज है, बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है। बस ध्यान रखो मेरी बात, जब तुमने प्लस साइन लगाया ना, तो वो कौन सी रेशियो है, इंटरनली। लेकिन अगर क्वेश्चन कह देगा ना एक्सटर्नली निकालो, अगर क्वेश्चन हमें क्या बोलेगा कि रेशियो कैसे निकालो एक्सटर्नली, रेशियो कैसे निकालो एक्सटर्नली, तो उस केस में तुम्हें पता है क्या करना है, ध्यान से देखो, माइनस 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 और माइनस माइनस, मतलब हर जगह कौन सा साइन लगा देना है, माइनस का। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। प्लस वाला लेकर काम करते जाओ, क्वेश्चन ने अगर एक्सटर्नली बोल दिया तो ही माइनस लगाना, वरना अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना। वैसे भी तुम्हारे अंदर ज्यादा दिमाग है भी नहीं, है ना। पता चले जो थोड़ा बहुत है वो सारा लगा दिया और मामला हो गया खराब, है कि नहीं। तो जितना है उतना ही लगाओ जितना बोल रहा हूं, ठीक है, ज्यादा दिमाग से मत लगाओ, है ना। इंटरनली या एक्सटर्नली, इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस। क्या मैं एक्सटर्नली के फॉर्मूले लिखवाऊं, जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्या करना है, सारे फॉर्मूले वही है, क्या आएगा बीच में, माइनस माइनस, है ना, हर जगह माइनस। तो देखो 12.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो हमें यही सिखा रहा है कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, फॉर्मूले को कैसे लगाया जा सकता है, वो तो बस हमें इतनी सी बात सिखा रहा है। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हमें उस पॉइंट के
जो इन ज्वाइनिंग पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है। पहले तो हम ज्वाइनिंग पॉइंट लिख लेते हैं, देखो जरा। मान लो पहला ज्वाइनिंग पॉइंट क्या था, -2, 3, 5, और दूसरा वाला क्या दे रखा है, 1, -4 और 6। देखो नाम दिए हैं क्या, कोई बात नहीं, नाम हम दे देते हैं ए बी, और बीच वाले को क्या नेम दोगे, सी, है ना। और इसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तुम्हें मालूम है एक्स वाई जेड मानते हैं ना, बीच वाले पॉइंट के क्या माने जाते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड। बीच वाले पॉइंट के क्या माने जाते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन ने हमें बोला है इन दो ज्वाइनिंग पॉइंटों को डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए विच डिवाइड्स, जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। देखो रेशियो दिए, देखो क्या लिखा हुआ है, 2:3 इंटरनली। देखो दो पार्ट दे रखे हैं ना, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है इंटरनली, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है एक्सटर्नली। कोई बात नहीं, मैं इंटरनली कर रहा हूं, एक्सटर्नली तुम लोग कर लेना, करना ही क्या है, माइनस कर देना है बस, है ना। इंटरनली आ गया तो एक्सटर्नली भी आ जाएगा। अब जरा इंटरनली देखते हैं, देखो जरा मुझे बताओ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, यही होता है ना भाई, डालू क्या। देखो जरा बोर्ड पे, तुम कहोगे भैया ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था, हम नहीं कर रहे, ऐसा मत करना, लेकिन कर लेना। देखो जरा m1 x2, तुम्हें मालूम है ना, क्या लिखकर बताऊं, ये m1 होती है पहली रेशियो, ये m2 होती है दूसरी रेशियो, ये क्या होता है x1 y1 z1, याद रहेगा। ये क्या होता है x2 y2 z2, याद रहेंगे ना बातें। अब जरा इधर देखो फॉर्मूले में मैं डाल रहा हूं वैल्यू, देखो m1 x2, m1 की मल्टीप्लाई देखो इधर बोर्ड पे, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, कितना होता है 2 बन जा, बिल्कुल सही 2 प्लस। अब जरा आगे देखो, m2 की x1 से, m2 की x1 से, देखो जरा 3 की -2 से, मुझे बताओ 3 2 जा कितने होते हैं 6, लेकिन माइनस के क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, एक काम करता हूं इसे माइनस कर देता हूं। अब अपॉन में देखो m1 प्लस m2, मुझे बताओ ये m1 और वो m2, 2 प्लस 3 कितना होता है, लिखना मत बाद में कर लेंगे क्या जा रहा है। देखो 2 में से 6 गए, माइनस के 4 बचे ऊपर, और 2 और 3 कितने हो गए नीचे 5। क्या पहला कोऑर्डिनेट आ गया, पूछने की क्या जरूरत है, आ तो गया, और कितना आएगा। अब देखो मैं कितना चालाक हूं, अब मैं तुम्हें वाई निकाल के दिखाऊंगा, और मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। देखो जरा इधर, मैंने इसी को किसका फॉर्मूला बना दिया, बोलो भाई वाई का बना दिया, रोकोगे मुझे, ये लो तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा भाई, ये कंजूसी तुम मत करना, वरना टीचर भी मार्क्स देते समय क्या करेगा, कंजूसी करेगा, वो भी क्या कहेगा, इस क्वेश्चन के मार्क्स दे दिए मैंने, उसके मैं नहीं दे रहा, तो वो भी ऐसा कर सकता है, इसलिए तुम लोग ऐसा मत करना। तुम लोग दोबारा से एक नया फॉर्मूला लिखो, m1 y2 m2 y1। आप जरा बोर्ड पे देखो फिर से, बस एक मिनट के लिए फोकस होकर देख लो, तुम ही लोगों को करने क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो इधर m1 y2, m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, मुझे बताओ ये x1 होता, ये x2 होता है, वो क्या होता है y2 होता है। देखो m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ है कि नहीं, देखो 2 की -4 के साथ, 2 की 4 के साथ करोगे 8 होता है ना, माइनस का 8। अब जरा आगे देखते हैं, देखो m2 की y1 के साथ, m2 की y1 के साथ, 3 की 3 के साथ 9, 3 3 9। अब अपॉन में देखो m1 प्लस m2, ये तो वही आएगा, देखो m1 भी 2 और m2 3, तो 2 और 3 5। लिखते हैं क्यों टेंशन ले रहे हो, डायरेक्ट नहीं करूंगा, घबराओ मत। अब देखो जरा इधर, प्लस का 9 माइनस की 8, 9 में से 8 गए, 1 तो ऊपर बचा भाई, 9 में से 8 गया 1, और 2 और 3 कितने बचे नीचे 5। दूसरा कोऑर्डिनेट भी आ गया, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और इस पॉइंट की हमने दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट निकाल डाले, निकाल दिए ना, इस पॉइंट के हमने दोनों कोऑर्डिनेट
निकाल दी है। अब तीसरे की बारी, अब मैं तीसरे में फिर से चालाकी करूंगा भाई, क्यों मेहनत करें, क्यों अपना मार्कर वेस्ट करूं मैं, तुम लोग करो अपना पेन वेस्ट। जेड का बना रहा हूं इसी से, देखो M1 Z2 M2 Z1 हो गया। अब जरा फिर से देखो कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है भाई, बिल्कुल बच्चों वाला काम है, बच्चे करने ही नहीं पसंद करते हैं इसको, ये कहते हैं तो भैया बहुत मजाक हो रहा है, हम नहीं कर रहे, हम 11th क्लास में ये करें, हम ये करें। देखो M1 Z2 M1 की Z2 से, 2 की 6 से, कितना होता है 6 2 12 प्लस, अब देखो M2 की Z1 से, M2 की Z1 से, 3 की 5 से कितना होता है, 5 3 बोलो 15, अपोन में क्या आ रहा है बार बार 15 भाई, उसे 5 आ रहा है, 12 और 15 27, 27 अपोन में 5, क्या तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट निकले, क्या पूछने वाली बात है, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट निकालने में क्या जरा सी भी कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं ना। ये थे इंटरनली, मैंने क्या लगाया था प्लस, एक्सटर्नली घर पे कर लेना, मैं क्लास में जरूर और जरूर देखूंगा, इस बात का ध्यान रखना, तुम सोच रहे हो मैं होमवर्क देता जा रहा हूं, चेक नहीं करूंगा, चेक कर सकता हूं, नहीं हो पाया वो बात अलग है, लेकिन ट्राई ही नहीं करा वो बात तो बहुत ही ज्यादा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट पी क्यू आर, फाइंड द रेशियो। देखो भाई कई बार क्या होता है, रेशियो दे देता है, पॉइंट पूछता है, क्या करता है, रेशियो दे देता है, पॉइंट पूछता है, कई बार क्या होता है, पॉइंट दे देता है, रेशियो पूछता है, मतलब यही करते रहे, रेशियो देगा पॉइंट पूछेगा, पॉइंट देगा रेशियो पूछेगा, मतलब यही करते हैं ना हम बैठ के, फिर क्वेश्चन ना करें, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, गिवन दैट पी क्यू आर, तीन पॉइंट हमें दे रखे हैं ठीक है, और तीनों के तीनों पॉइंट क्या बता रखे हैं, कोलिनियर, देखो बोर्ड पे तीन पॉइंट दे रखे हैं और तीनों के तीनों पॉइंट हमें क्या बता रखे हैं भाई, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट लाइन पर आ रहे हैं। मुझे बताओ क्या मैंने तीनों पॉइंटों को लाइन पर रखा है, रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बताया था, मेरा दिमाग घूम रहा था इसलिए रख दिया, दिमाग तो नहीं घूम रहा मेरा, क्वेश्चन ने बताया था कोलिनियर, इसलिए मैंने रख दिया लाइन के ऊपर, समझ रहे हो। अब वो दे क्या रखे हैं वो भी तो लिखने हैं, बातें बनाते रहेंगे, लिखते हैं फिर, ऐसी भी टेंशन वाली क्या बात है, 3 2 -1, टेंशन वाली बात थोड़ी ना, टेंशन तुम्हें होगी मुझे काहे को होगी, क्यू वाली बात, 5 4 -6 है ना। अगर मैं जल्दबाजी में कुछ गलत लिख दिया करूं क्वेश्चन देखकर तो मुझे बता दिया करो, हालांकि मैं सुन तो पाऊंगा नहीं, मुझे खुद ही सही करना पड़ेगा देखकर, 9 8 -10, जैसे मान लो मैं पॉइंट उतार रहा हूं, मैंने जल्दबाजी में -6 की जगह सिर्फ 6 लिखा, क्वेश्चन में दे रखा है -6, मैंने क्या लिख दिया 6, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, तुम लोग बोलोगे भैया ये मत करो -6 से, -6 से, मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, देखना तो मुझे खुद ही पड़ेगा भाई, है ना। खैर देखो, गिवन दैट पी क्यू आर आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो हमने तो क्यू को बीच में सेट करा है, वैसे भी क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्यू कर रहा है डिवाइड पी आर को, देखो बोर्ड पे क्यू कर रहा है डिवाइड पी आर को, तो देखो क्यू ही तो कर रहा है, हमने क्यू को बीच में सेट करा है, जिस पॉइंट को वो बोलेगा ना उस पॉइंट को बीच में रखते हैं, क्वेश्चन ने क्यू को बोला है, हमने क्यू को बीच में रखा है, क्या पूछिए रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने 10th में खूब करें। फर्क ये है वहां पर दो वेरिएबल के लिए करते थे, वहां पर कितने वेरिएबल के लिए करते थे भाई, दो वेरिएबल के लिए, अब हम कितने वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, तीन वेरिएबल के लिए, क्या तरीका बदलेगा, तरीका नहीं बदलने वाला भाई, तरीका रिमेन्स सेम, तरीका वही रहेगा ठीक है। क्या होता था तुम्हें याद है, जब क्वेश्चन हमें रेशियो ना दे ना, जब क्वेश्चन हमें रेशियो ना दे तो उस रेशियो को क्या मान लिया करो, K is to 1,
उस रेशियो को तुम्हें क्या मान लेना है भाई, के इज टू वन। लिखो लिखो, लेट द रेशियो बी के इज टू वन। के इज टू वन, समझ रहे हो? तुमने रेशियो क्या मान ली, के इज टू वन है कि नहीं। अब क्वेश्चन ने रेशियो तो दी नहीं थी, हमने खुद मानी, और जब रेशियो मान ली तो क्यों मानी, फॉर्मूला लगाने के लिए। फॉर्मूला लगाने के लिए बनाओ भाई, मुझे बताओ, तीन तीन फॉर्मूले होते हैं ना, एक्स का भी फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, y का भी फॉर्मूला होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। z का भी होता है m1 z2 m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होते हैं ना तीन फॉर्मूले। जब भी क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत समय बच जाएगा टेस्ट में और पेपर में, बहुत टाइम बचेगा, और मेरी इस बात को ध्यान से सुन लोगे। जब भी क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछे ना, या तो x के फॉर्मूले से निकाल दो सेम आएगी, या तो y के फॉर्मूले से निकाल दो सेम आएगी, या z के फॉर्मूले से निकाल दो सेम आएगी। तीनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल दो, मैं x के फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। क्या जा रहा है, देखो x का फॉर्मूला होता क्या है, देखो बोर्ड पे m1 x2 m2 x1 और अपॉन में क्या होता है भाई, बोलो, m1 प्लस m2, ये होता है ना फॉर्मूला। देखो जरा, अब m1 x2 इधर देखो बोर्ड पे, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ। देखो मुझे बताओ, ये पहली रेशियो m1, ये दूसरी रेशियो m2, मुझे बताओ ये पॉइंट क्या होता है, x1 y1 z1, ये पॉइंट क्या होता है, x2 y2 z2, है ना। अब देखो m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, देखो ये रहा m1 और वो रहा x2, k की 9 से करी क्या बनेगा, 9 के भाई, k की मल्टीप्लाई 9 से, 9k प्लस। अब जरा आगे देखो, m2 की x1 से, मुझे बताओ 1 की करोगे 3 से, 1 की करोगे 3 से, 3 बन जा 3। अब अपोन में देखो जरा, अपोन में m1 प्लस m2, मुझे बताओ k और 1 है ना, तो लिखो k प्लस 1। हाँ इधर क्या आएगा मुझे बताओ, क्वेश्चन में ये जो हम x निकालते हैं, इस x की वैल्यू डालनी है, ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछता है ना क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू हमें डालनी पड़ती है। देखो जरा, ये बीच वाली होती है x की वैल्यू, ये बीच वाली होती है y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू होती है z की वैल्यू। समझ में आ रही है ना, मालूम है वैसे तो तुम्हें, ये वैल्यू होती है x की, ये होती है y की, और ये होती है z की। बताओ कौन सी वैल्यू डालू, 5 डालू, 4 डालू, -6 डालू, भाई बच्चा भी बता देगा, x की वैल्यू 5 डालो, तो डाल दिया मैंने, इसमें ऐंठने वाली क्या बात है, मैंने x की वैल्यू क्या डाल दी, 5। अब इस फिगर का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था रेशियो चाहे x के फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे y के फॉर्मूले से, चाहे z के फॉर्मूले से, किसी भी एक से निकाल लिया करो बस। देखो अब जरा मुझे बताओ, क्रॉस करेंगे, देखो वट पे क्रॉस कर रहा हूं, के प्लस वन की तरफ 5 से करूंगा, देखो 5 के अंदर कर रहा हूं, 5 की के से करी 5k, 5 की 1 से करी 5, 9k ऐसे रहा, 9k प्लस 3, 9k प्लस 3। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखो जरा इधर, अब थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3 को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, 3 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 5k को मैं उधर लेकर जा रहा हूं, 5k इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 9k में से 5k गया, तो देखो 5 में से 3 गए 2, और 9k में से 5k गया, 9k में से 5k गया, ये बचेगा तुम्हारा 4k, 4 इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, भाई कर दो, बताओ 2 से ये 4 कितने पर गया, 2 पर, यानी कि 1/2। देखो इधर बोर्ड पे, अब लास्ट चीज बची भी है, अगर ये लास्ट चीज तुम्हें समझ में आ गई तो समझो क्वेश्चन खत्म। जब भी क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछता है ना, जब भी क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछता है, तो चाहे एक्स के फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे वाई के फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे जेड के फॉर्मूले से निकाल लो, सेम आती है। अगर यकीन ना हो ना, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो, तो वाई से निकाल कर देखना घर पे,
जेड से निकाल कर देखना घर पे, तुम्हारा ही समय बर्बाद होगा, लेकिन तीनों वैल्यू सेम आएगी अगर सही करोगे तो, कैलकुलेशन सही करोगे तो, गलत करोगे फिर तो अलग ही आएगी। हाँ, जो के की वैल्यू आती है ना एंड में लिख दिया करो, लिखो देयर फॉर रेशियो। रेशियो क्या हो गई, देखो 1/2 है ना, रेशियो बना दो इसकी, 1:2। रेशियो क्या आ गई, 1:2। 1/2 को क्या लिख दोगे, 1:2। जैसी के की वैल्यू आ जाती है वही क्या मानी जाती है हमारी, रेशियो। उसी वैल्यू को हम क्या बोलना पसंद करते हैं भाई, रेशियो।